अभी हम कुशीनगर ज़िले के दुदही गांव में खड़े हैं। हमारे पीछे ये डिवाइन मिशन स्कूल है, ये वही स्कूल है जहां के 13 बच्चे स्कूल आते समय एक यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पे इस स्कूल की एक बस दुर्घटना का शिकार हुई और 13 बच्चों की मौत मौके पे हो गई। उस गाड़ी में वो एक छोटी मेटाडो टाइप एक छोटी गाड़ी थी, एक पिकअप वैन टाइप की गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रेन से वो टकराती है। उसमें टोटल 17 बच्चे सवार थे, 17 में 13 बच्चे मर गए, 13 में 11 बच्चों की मौत मौके पे हुई, 3 बच्चों ने हॉस्पिटल ले जाते अपना दम तोड़ दिया। छब्बीस अप्रैल की सुबह जो रेल हादसे में 13 बच्चे मरे, हैदर अली के 2 बच्चे फरहान और कामरान की भी उसी गाड़ी में स्कूल जा रहे थे, उसमें उनकी मौत हुई। उस वक्त हैदर घर पे नहीं थे, सऊदी अरब में वो नौकरी कर रहे थे। लेकिन एक चौंका देने वाली जो बात सामने आई है, जिसको हाइट ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जा सकता है, वो ये है कि इनके दोनों बच्चों की लाश इनको दी गई पोस्टमार्टम के बाद बच्चे के पेट को स्टिच नहीं किया गया था। ऐसे ही पोस्टमार्टम होता है, देखिए पोस्टमार्टम होता है, देखिए बस ये जगह देख सकते हैं, पोस्टमार्टम इस तरह होना चाहिए। तुम दिखा खोपड़ी, तुम दिखा भाई ना खोपड़ी दिखा, ये डॉक्टर की बड़ी बड़ी गलती है। आने दीजिए इधर लौट के, आने दीजिए हम लोग नहलाया धुलाया जाता भैया, इधर आइए, बात नहीं आइए आप लोग हटिए, पोस्टमार्टम ऐसे ही होता है। देखिए इधर, देखिए ऐसे ही होता है, लाया भी नहीं गया बच्चे को। अभी सर वाला दिखा रहे, सर भी ऐसे ही खुला है, बताइए। हम लोग नहलाने धुलाने वाला सिस्टम है, बच्चे को नहलाया भी नहीं गया। इधर आइए, हट जाइए, हम लोग बांधा नहीं जाता, जबरदस्ती हम बांधे इसको। ये हम लोगों में बांधा नहीं जाता है, रस्सी खोल दिया जाता है। बताइए, देखिए तू, ये देखिए, ये देखिए तू, ऐसे ही होता है पोस्टमार्टम, देखिए देखो, देखिए इसको। नहलाने हम लोग सिस्टम है ना, नहलाया जाता है हम लोग को, जो लाश होती है उसको नहलाया जाता है। उसके बाद जब उसको कपड़ा खोला गया तो सब उसका बॉडी खुला हुआ था, सर भी खुला हुआ था, सब उसका अंदर का दिखाई दे रहा था। लापरवाही है डॉक्टरों की, ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग पूरा अच्छी तरह से नहला वाला के पाक साफ करके, मानवता के नाम में कलंक है जी सर। पूरा बॉडी जो है ऑपरेशन किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, पूरा स्टिच किया ही नहीं गया, पूरा उसका जो किडनी जो है सब पूरा दिख रहा है, सर का ऊपर का पूरा खोल दिया गया है, ये कुछ नहीं सिला गया, खोपड़ी ओपड़ी कुछ नहीं सिला गया। प्रशासन की हमारे हॉस्पिटलाइज की बहुत बड़ी गलती पाया गया इसमें, बहुत बड़ा फॉल्ट है। बच्चे बोल रहे थे आज कौन सा दिन है, मैं बोली जुमरात है, तो बच्चे कह रहे थे कल पढ़ने नहीं जाऊंगा, कल जुम्मा पढ़ने जाऊंगा।
उनकी यादें ये नहीं मैं भूल पा रहा हूँ। जिस दिन ये हादसा हुआ उनको मैं शाम में इसी टाइम इसके एक घंटा बाद यानी समझ लीजिए एक घंटा इसी टाइम एक घंटा लगभग पहले हाँ क्योंकि थोड़ा उजाला था। मैं बोला थोड़ा अपना फ़ोटो खींच के भेजो ये गेट के सामने से कि मैं देखूँ, तो वो लोग यही फ़ोटो भेजे थे दोनों लोग। एक ये है डॉक्टरों की लापरवाही संवेदनहीनता इस घटना से सामने आई, तो दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उस क्रॉसिंग पे जहां पे ये घटना हुई थी वहां पे प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से वो अपना आपा खो बैठे और एक विवादास्पद बयान दे दिया। ये एक दुखद घटना है, दुखद घटना में ये नारेबाजी बंद कर दे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इस बात को नोट कर लो, नौटंकी बंद करो, जिसमें उन्होंने नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया है। जिस प्रदेश के मुखिया ऐसी असंवेदनशील बयान दे सकते हैं तो स्वास्थ्य विभाग से और क्या उम्मीद की जा सकती है।